इसलिए कि भाई इन्फ्लेशन के हाइपर इन्फ्लेशन के आने के खतरात हैं, क्योंकि आपका जो मन आवाज आ रही है? क्लियर है, क्लियर है भाई। तो 2022 का वो इसलिए कि भाई ओ, पहले तो ये कि ये पिछले साल किधर का है, ये कोई मई 2021 में प्रेडिक्शन की है 2022 के बारे में? गौर से सुने। तो 2022 का वो इसलिए कि भाई इन्फ्लेशन के हाइपर इन्फ्लेशन के आने के खतरात हैं, क्योंकि आपका जो मॉनिटरी सिस्टम है वो कंप्लीटली फक्ड अप, ठीक है ना। स्पेशली डॉलर जो है, डॉलर अगर किसी को सही समझ नहीं आती इन चीजों के बारे में, सबसे बड़ा दुनिया का स्कैम जो है वो आपका डॉलर, ठीक है। उस पर किसी और दिन के क्यों कैसे क्या स्टोरी और हिसाब किताब, और फिर हम सारा कुछ चलता है आजकल पैसे में, तो फिर हम क्या करें और ये सारा कुछ। तो वैसी बात है कि भाई अगले आने वाले सालों में काफी मसले मसाइल होने वाले लोगों के लिए। आज भी आप देखो, अगर थोड़ा सा कोई बंदा जाके गूगल करे कोई इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करना आपने, तो आप जाके वहाँ पे देखो 1913 से लेके ऑल द वे अप टू 2021 आपको इन्फ्लेशन रेट मिल जाएगा। वो आसान तरीका उसका ये है समझने के लिए कि भाई आपका जो पैसा है, चाहे वो पाकिस्तानी पैसा हो, वो कोई ब्रिटिश पाउंड हो, वो डॉलर हो, जो भी हो, वो वैल्यू में गिर रहा है। तो आपके पास अगर 1 लाख डॉलर उस जमाने में थे ना 1913, तो उस 1 लाख डॉलर से आप पता नहीं क्या क्या कर सकते थे। आज उस 1 लाख डॉलर से आप ज्यादा ज्यादा क्या करते हो, कोई जाके आप कोई गाड़ी वाड़ी ले लेते, और कुछ पता नहीं 4 5 10 और चीजें कर लो, ठीक। तो उस जमाने आपको, आप उसको, उसके वैल्यू थी, आप उसको बहुत सारे चीजों में इस्तेमाल कर सकते थे। इतनी महंगाई भी नहीं थी, सारा इन्फ्लेशन रेट बड़ा कंट्रोल था, बहुत कम था, अगर था भी बहुत कम था बनिस्बत आज के। आज इतना ज्यादा है कि आपका जो डॉलर पैसा है वो घर में पड़ा पड़ा या बैंकों में पड़ा पड़ा वो डीवैल्यू होते जाते। ये चीजें जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो कोरिलेटेड है आपके क्रिप्टो के साथ, उसके फ्यूचर के साथ, मुस्तकबिल के साथ, या इस टेक्नोलॉजी के साथ ले लो वो, क्योंकि ये डिफ्लेशनरी है। आपका जो पैसा है फियाट मनी, वो इन्फ्लेशनरी है। और इन्फ्लेशन जो है उसमें तबाह कर देना है अपने पैसों, फियाट मनी को, बेसिकली पूरा जो मॉनिटरी सिस्टम है ये तबाह बर्बाद होना है, चाहे वो उसको 5 साल। ठीक है जी, तो ये सालों पहले की प्रेडिक्शंस है, ये सारी चीजें जो कि मैंने लोगों को बताई थी, और आप लोग उस जमाने में जो भी थे वो तो ऐश कर रहे हैं, जो नहीं है उनको तो नहीं पता।